याद नहीं है मेरे को। लेकिन संतरा ऐसा था कि वहाँ पर एक बार चोर आए, हाँ पता नहीं तब से संतरे पेड़ ही सूख गए, पेड़ हो ही नहीं रहे तब से। अच्छा चोर का हाथ लगा तो चोर का हाथ लगा बहुत आपकी। नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त, मैं पवन जोशी गंगुलीहाट पिथौरागढ़ से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ और अपने ही घर से कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी तक ये जैकेट मेरी धूप में कुर्सी में बैठ रखी थी और अभी ये धूप लग गई है तो अब छाई में आ गई है। थर्ड बुध मस्त कर रखी है जैकेट, ले बहुत सारा दे रही है सुबह शाम मेरे को, तो अभी ठंडा गर्म हो गया तो अब धूप में छाई में आ गई है। तो अभी पापा यहाँ पे काटते हैं दोस्तों। पापा क्या है? सलमी दूंगा। सलमी दूंगा, ये काहे के काम आता है? सब्जी अब्जी में सब्जी डाल दूंगा। अच्छछा, तो ये खेत में वही वो सलमी दुंगार हुआ? अच्छा, मैं तो यार एक दिन मैं कहाँ समझ के मैं इसको काट के गाय को जो खिलाने वाला था फिर यार। अच्छा, और कैसी है फिर पापा तबीयत आपकी? थोड़ा ठीक है। ठीक है, क्या खाया सुबह आज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अभी क्या खा रहे हो? दलिया और मूंग की दाल, बस वही है। शाम को रोटी खाओगे फिर आज? तो दोस्तों अब हल्की हल्की रोटी तो खानी पड़ेगी क्योंकि सुबह शाम दिन में तीनों टाइम दलिया खाएं तो आदमी परेशान हो जाएगा यार। पित्त लगने लग गई है, खुद ही कहने लग गए। कल भी पापा ने रोटी खाई थी, एक रोटी खाई थी वो बाहर का बक्खल निकाल के, तो आज भी एक दो रोटी खाएंगे पापा। और दाल तो वही है, सब्जी कुछ नहीं है, सिर्फ मूंग की दाल है, उसमें हल्का सा टमाटर धुंगा रुंगा डाल के बना रहे। तो और आज हमें आज एक बिराव ने दिख रहा यार, दगड़ियो जही क्यों नहीं लिया, चौड़ पड़ोलू भतरे पौड़ो नहीं और कति न सकन, उठा के लाता हूँ साले को बाहर। अब बहुत सो गया है आज बेरात, इसे मतलब ये बेरात हुई भतर नहीं छू मैं तो सर लगन मो। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो यो भतर पर उठ बे रहे घाम आएगी, कुर्सी में बैठ बे आसन लगाए रख छू अपन कमर तत्ण में गए छो इतुक आराम है रो। हाथ दिखुण में मार मत बल पंजा मत, मेरमा पंजा लगा दिया इसने, देखो या काट ले दिन मो। ए दोस्तों अब मेरे को करना है एक काम, हमारी गाय हम नीचे बांधते थे नीचे वाले आंगन में, अब वहाँ हो रहा है बहुत ठंडा क्योंकि गाय के लिए धूप नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी, गाय के लिए धूप आ रही है तो 2 बजे से 3:30 बजे के आसपास तक धूप आ रही है, उसके बाद तो हम गोठी में बांध देते हैं। तो आज मेरा विचार हो रहा है दोस्तों गायों को ऊपर बांधने का यहाँ पे, और यहाँ पे बो रखी है अब हमने राई मशीन है, ये पापा ने बो रखी थी जब तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, उससे पहले पापा ने बो दी थी तो पापा के हाथ की जम भी गई यार दोस्तों देखो ना। तो अब यहाँ पे विचार हो रहा है ऐसे बाड़ लगाने का, वरना गाय तो सब साफ कर देगी ये राय वगैरह। तो अब खाम लाता हूँ 2-3 ऐसे भिकवा के, तो यहाँ पे गेंट के उसके ऊपर लकड़ी डाल देता हूँ, जो मोनी डाल पाए उसके अंदर, और कुछ नहीं यहाँ पे कर सुबह से शाम तक फिर धूप ही रह जाती है, सुबह 11:30 बजे धूप आ जाती है और दिन डूबने तक यहाँ पे धूप रहती है। तो 5 बजे भी बांधेंगे हम गाय तो गोठ में तब भी चलेगा क्योंकि फिर तो यहाँ पे फटाफट बांध भी सकते हैं हम गोठ में 1-2 बजे के आसपास पे गाय गोठ में बांधेंगे। अगर नीचे वाले आंगन में बच्चा तो सुबह सेक लेती है धूप, पर गाय के लिए नहीं आ पाती है, गाय 2 बजे गाय जहाँ पर गाय बांधते हैं वहाँ पर 2 बजे धूप आती है। अब लगा लो आप ही, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे नहाने के लिए अभी पानी गर्म हो रहा है, अभी दिन में नहाऊँगा 1-1.5 बजे के आसपास पे। और ये पत्थर तो मैं क्या बता रहा दोस्तों, ये पत्थर तो बहुत पुराना है, अभी इसके बारे में ज़्यादा आपको पापा बताएंगे कितना पुराना पत्थर है, पापा ने भी ऐसा ही देखा था। पर जो ये पत्थर है ना ये आपने भी ऐसा ही देखा? हाँ ऐसा ही देखा मैंने। तो इस यहाँ पे पहले से आग जलाते थे? पहले से ही, बाद में जहाँ पहले से ही जलाते थे आग। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग को पापा ने बता ही दिया, और ये पत्थर ना अब इसमें एक घांसे मारो ना ये पत्थर फूट जाएगा क्योंकि इसके नीचे इस पत्थर के नीचे ना 24 घंटे आग ही आग रहती है और कुछ नहीं, 24 घंटे आग हुई। अब लगा लो आप ही, अब ये तो पत्थर फूट ही जाएगा, एक बावले ले आणो ने कपोड़ निकल जा लगा लियो। आज हम आपको ले चलते हैं खेत की तरफ, खेत में क्या क्या हाल हो रखे हमारे खेत के देखते हैं, मैं कब से गया भी नहीं, 1-2 दिन हो गए खेत में नहीं गए हुए मेरे को। तो हमने वो माल्टा वगैरह खाए तो यहाँ पे एक गुदा पड़ा होगा माल्टे का, यहाँ पे एक माल्टे का पेड़ हो रहा है मेरे, और परसों मैंने 2-4 पेड़ टोकरी के सहार रखे और एक पीला वाला गुलाब का पेड़ है, और धीरे धीरे हम आगे को बढ़ते हैं। ये है हमारी मोटी राई,
वो भी मोटी राई, ये बंद गोभी, और इसके बीच में जो ये पेड़ दिख रहे हैं थोड़ी बहुत तो घास है, और ये है फूल के पेड़, ये भी सान्य है यार दोस्तों। बंद गोभी भी फिलहाल ठीक ही हो रही है, बस बंदर ना खा दे, बंदर पौरिया रखी हो बंद गोभी में। ये यहाँ पे भी दो चार पेड़ बंद गोभी के हैं, और राई वगैरह है अभी तो, राई उतनी अच्छी हो नहीं रखी है, बीज रखा है धीरे धीरे मैंने राई का। और यहाँ पे है दोस्तों हमारी मेथी, जो मेथी मैंने चौथी बार बोई थी वो फिलहाल इतनी हो गई है, और उस साइड को तो फिलहाल अभी जमी भी नहीं है, क्या कहें यार दोस्तों। और ये है हमारी मशीन वाली राई, एक मशीनरा बोलते हैं, और यहाँ पे भी मेथी है। ये परसों 30-35 दिन हो रहे हैं इस मेथी को बोए हुए, ये भी जम गई है फिलहाल, और हो यहाँ पर हो रखा है देखो ये, अब ये सानने लायक हो गया है मेरा राई का बीज, मोटी वाली राई का बीज। और ये हमारा नींबू का पेड़ जिसमें अभी दाने भी लगे हैं, और एक दो दाने झड़े भी हैं देखो ये, पाउल्ला झोड़। क्या कहा पापा? हाँ अभी लाता हूँ। तो पापा बोल रहे नींबू लिया ना, और एक पेड़ माल्टे का था यार ये। अभी हम एक बात आपको पापा से पूछ के बताएंगे, और या पापा ही बताएंगे, हमारे खेत में ना जब माल्टे के पेड़ थे ना, क्या बताऊँ यार दोस्तों, पर मैंने तो वो माल्टे के पेड़ देखे नहीं है, फ़ोटो में ज़रूर देखे हैं, एल्बम में एक फ़ोटो है पूरे माल्टे के पेड़ों की। मैं पहले हमारे खेत में पेड़ ही पेड़ थे ना, हाँ संतरे के पेड़ थे बहुत, सब संतरा, माल्टा नहीं हुआ, माल्टा भी थे, दो पेड़ माल्टा के थे यहाँ पर। अच्छा, एक वो वहाँ पे भी था जहाँ पे मैंने अभी राय बो रखी है उस वाले खेत में, हाँ। उस वाले पेड़ का तो मैंने भी खा रखा, और पेड़ों की याद नहीं है मेरे को, लेकिन संतरा ऐसा था कि वहाँ पर एक बार चोर आए, हाँ बता नहीं, तब से संतरे पेड़ ही सूख गए, पेड़ हो ही नहीं रहे तब से। अच्छा, चोर का हाथ लगा, तो चोर का हाथ लगा तो होता भी है ऐसा, पता नहीं क्या हुआ, वो तब से पेड़ ही नहीं हुए। और इस आंगन में तो फूल वगैरह थे शायद, हाँ यहाँ पर, कहाँ पे से थे वो, यहाँ पर से फूल थे उधर को, वो बंद हुआ पूरा, हाँ। और खेत में जाने के लिए यहीं से हुआ, हाँ। अच्छा तो दोस्तों ये कब बनाया फिर पापा? ये तो बाद में बनाया जब, ना ना वो तो याद है मेरे को, तो मतलब ये आंगन कब बनाया फिर? ये बारी में बना दिया था फिर हमने। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे से जो ये पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे से, उस तरफ को पूरे फूल थे, मैंने क्योंकि फ़ोटो देख रखी है ना यहाँ पे कि, तो पापा लोग मम्मी लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचा के एल्बम में देख रहा था, अम्मा भी थी बेन्नाग वाली हमारी तो। और देखो अब चोर का हाथ ऐसा होने वाला है यार दोस्तों, चोर चुन्नीकरण से नहीं भैया, पर माल्टा सब बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में माल्टे के पेड़ नहीं है, मैंने कहा नहीं यार, क्यों पहले तो बहुत पेड़ थे यार, मैंने कहा पहले कि, अब मेरे को क्या पता, मैंने देखे नहीं सुने नहीं, पर जिस हिसाब के अभी भी बताते हैं ना माल्टे के पेड़ थे, हम वहाँ पर जाते थे लाते थे, बड़ो बाजू देते थे तेरे, पर अब नए नए पेड़ मैंने भी लगा दिए हैं फिलहाल, 15-16 पेड़ मेरे भी हो गए हैं अब लगाने के लिए, तो कोशिश जारी कर रखी है, 2-3 पेड़ नारंगी के लगा रखे हैं, 1-2 किन्नू के लगा रखे हैं, माल्टा वगैरह लगा रखा है, सब लगा रखा है मिक्स करके, साइड साइड में बार टाइप का भी हो जाता है, तो अब जब होने देंगे तब ना, अब पापा का कहना ही है चोरों का हाथ लगा तो पेड़ भी सूखे, और कितने बार पापा ने यार लगा भी दिए पर नारंगी के पेड़ लगे नहीं। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मैंने आज ये काम भी ज़रूरी करना है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।